नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे जान दारा टू फाइनल मूवी को। इस मूवी में जेन अपने नानी के घर जाता है, जहां उसे अपनी माँ के बारे में पता चलता है। अब वह वापस अपने घर आता है और कैसे अपनी माँ के साथ नाजायज संबंध बनाता है और एक दिन अपने कजिन सिस्टर के साथ भी इंटीमेट होता है, जिसके बाद उसकी बहन सुसाइड कर लेती है। यह सब जानेंगे हम आज की इस मूवी में। मूवी शुरू होती है और हम जेन को चेयर पर बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहां कैन आता है और कहता है, तुम बहुत बदमाश हो, तुमने मेरी बहन को भी नहीं छोड़ा। जिस पर वह कहता है, तुमने भी तो सुजोई के साथ टपाटप किया था। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर वे फ्लैशबैक में जाते हैं और अपने पुराने दिनों के बारे में बात करते हैं। जब वह अपने नानी के घर गए थे तो नानी ने बताया उसके पिता एक गरीब आदमी थे। शादी की रात ही उसकी माँ ने उसके पिता से बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ था, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। इस बात से वह बहुत नाराज हो गया और उसे मनाने के लिए उसकी नानी ने अपनी जायदाद उसे देने का वादा किया। अगले सीन में हम कैन को देखते हैं जो टपा टप करने के लिए रेड लाइट एरिया में जाता है, जहाँ एक लड़की उसे बताती है कि जैन की माँ के साथ उसकी माँ को भी गुंडों ने किडनैप किया और नेपाल में भेज दिया। अगले दिन जैन और कैन पुलिस के पास जाकर उस दिन का सच जानने की कोशिश करते हैं। अब वह पुलिस अधिकारी उन्हें अपने फादर के पास ले जाता है और बताता है कि उसकी माँ को उसके बॉयफ्रेंड जून ने ही किडनैप किया था, जहाँ उसके साथियों ने उसे गोली मार दिया और उसकी माँ के साथ बलात्कार किया। और इस राज को दबाने के लिए जैन की नानी ने उन्हें गोली मार दी। ये सब जानकर जैन बहुत दुखी होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कैन एक लड़की को पटा लेता है, जिसके साथ उसकी शादी हो जाती है। जैन के नानी के बीमार होने पर उसकी मौसी वांड्रा वहां आती है और उन्हें बताती है जैन की बहन सभी गुलामों के साथ टपाटप करती है। अब 3 साल बाद हम देखते हैं कि जैन अपने पिता के पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और सब गुलामों और घर वालों पर अपना हुक्म चलाने लगता है। फिर एक रिच घर की लड़की से जैन की शादी हो जाती है और उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और वह घर छोड़कर चली जाती है। एक रात जैन की सौतेली माँ अपने कमरे में जाती है तो जैन पहले से ही वहाँ मौजूद था। वह उसके सामने ही कपड़े उतार देता है और ज़बरदस्ती उसे पकड़कर टपाटप करने लगता है। इसके बाद वो जब मौका मिलता है तब टपाटप करता है। अब एक दिन बाड़ा और जैन के पिता जैन को और उसकी सौतेली माँ के साथ टपाटप करते देख लेते हैं। उन्हें इस हालत में देख जैन के पिता बेहोश हो जाते हैं। वाडा इसके बाद घर छोड़कर चली जाती है। अब रात को जैन की सौतेली माँ जैन से नाराज हो जाती है और उसे देने से मना करती है। जैन दुखी हो जाता है पर उससे रहा नहीं जाता है और वो मास्क पहनकर अपने कजन सिस्टर के पास चला जाता है और उसका मुँह पर कपड़ा बांध कर टपाटप करके अपनी प्यास बुझाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन की सौतेली बहन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। यह बताते हुए जैन उदास हो जाता है। तभी वहाँ कैन का बेटा आता है और वह कैन को अपने साथ ले जाता है। यहीं पर मूवी द एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।